नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आने वाला 2021 वर्ष हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा और इससे हमें क्या क्या बदलाव मिलेंगे, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। 2021 कन्या लगन कर्क राशि पुष्य नक्षत्र से शुभारंभ हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा शुभ और सुंदर योग बना रहा है। तो मेष राशि के जो जातक हैं, यह है एक दृढ़ स्वभाव वाले, दृढ़ निश्चय करने वाले और अपने आप को एक बार जो लगन में लग जाएं, तो वह उस कार्य को पूर्ण कर कर ही विराम लेने वाले होते हैं। यह जातक मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं, मेष राशि के जातक होते हैं, यह परिश्रमी, मेहनत करने वाले, कठोर श्रम करने वाले और आप बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। तो इन राशि के जातकों के लिए 2021 का जनवरी फरवरी का जो शुरुआती माह रहेंगे, इस माह के अंदर यह काफ़ी अपने आप में परिवर्तनशील योग लेकर आएंगे और इस राशि के जातक शुरुआत के महीनों में ही 2021 के अपने आप को परिवर्तन, अपने कार्यस्थलों में परिवर्तन, अपने व्यापारिक स्थलों में परिवर्तन, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं यह भी अपने आप को परिवर्तन कर ऊपर की ओर उठने के लिए परिवर्तनशील रहेंगे। लेकिन इस शुरुआती महीनों में ही इन जातकों के लिए एक समस्या और भी उत्पन्न होगी कि यह शुरुआत के कुछ महीनों में ही भ्रम की स्थिति इनको सदैव परेशान करती रहेगी। यह अपने फैसले एक स्थायी रूप से और ठोस रूप से नहीं ले सकेंगे। भले ही मेष राशि के जातक एक दृढ़ निश्चय और एक स्थायी और ठोस फैसला लेते हैं, लेकिन इस समय यह एक ठोस निर्णय, एक दृढ़ निर्णय लेने में असफल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस समस्या को, इस परेशानी के होने के बावजूद भी यह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं रहेंगे और अपने को आगे बढ़ाने में, अपने आप को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा ही सफल होंगे। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, जो युवा हैं, जो जातक नौकरियों के लिए, व्यवसायों के लिए दौड़ रहे हैं या उनको प्रयास कर रहे हैं, उन्हें 2021 बहुत अच्छी सफलता देगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्र हैं, इन्हें भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं। इन जातकों के लिए यह कहा जाए कि 2021 इनके लिए लाभकारी है, धनदायक योग भी इनके लिए बन रहे हैं और यह इस वर्ष मेष जाति के, मेष राशि के जो भी जातक हैं, यह पूरे वर्ष धन अर्जन में सफल रहेंगे। लेकिन साल के अंत में इन जातकों को अपने शरीर के लिए बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्ष का जो अंत समय होगा नवंबर दिसंबर, इस समय इनके लिए शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, इस ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं और इनको अपने स्वास्थ्य पर इस साल कुछ विशेष ज़्यादा ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं भी हैं और वाहन आदि यात्राएं करने पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी की आवश्यकता होगी। लेकिन साल का जो मध्य का जो इनका समय है, यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहने वाला है। इस वर्ष के मध्य में, सन 2021 के मध्य में मेष राशि के जातकों के लिए मार्च से लेकर के सितंबर, अगस्त, अक्टूबर तक का जो महीने हैं,
इस महीनों के अंदर यह बहुत तेजी के साथ अपनी कार्य योजनाओं में विकास करेंगे। अपने जो भी इनके जो सपने हैं, जो भी इनके टारगेट हैं, जो भी इनके लक्ष्य हैं, यह इनको बहुत तेजी के साथ प्राप्त करने में सफल रहेंगे और इनका जो परिवार है, गृहस्थ जीवन है, यह भी बहुत ज़्यादा इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा सुखमय और सौभाग्यशाली होता हुआ दिखाई देगा। 2020 के अंदर जो लक्ष्य इनके अधूरे रह गए थे, जो प्राप्त 2020 में यह करना चाहते थे लेकिन यह इसे नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन 2021 इनको निराश नहीं करेगा, इनको 2021 बहुत कुछ देगा जो जिसकी प्राप्ति के लिए ये पिछले काफ़ी समय से दौड़ रहे थे, पिछले काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे, जो इन्हें वह प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन मेष राशि के जातकों को 2021 निराश नहीं करेगा, ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है इनके विकास के लिए। यह चहुंमुखी चारों ओर से विकासशील होंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद जो आखिरी वर्ष का जो समय रहेगा, यह इनके लिए शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। इसलिए इनके लिए एक ही महामंत्र है कि 2021 के अंदर हमेशा पूरा ही का पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य ही रखें, क्योंकि जहाँ स्वास्थ्य ही इनके लिए परेशानी के कारण खड़े कर सकता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए उपायों की, कि कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे कि इनको अपने 2021 का जो भविष्य है, इस भविष्य को उज्जवल बना सकें, और जो इनके सामने कुछ अड़चने, जो कुछ परेशानियां थोड़ी दिखाई दे रही हैं, उनसे ये मुक्ति पा सकें। तो इस उपाय के लिए आपको अपने कलाई के अंदर हमेशा कलावा बांधे रखना होगा, कलावा बांध के रखें। मंगलवार के दिन बजरंग बली का, भगवान महावीर हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ यह अवश्य ही करें, जिससे कि इनके जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो ये प्राप्त करना चाहते हैं, जो इनके सपने हैं, वह पूरे हों और 2021 इनके लिए समृद्धशाली, खुशहाली और भाग्यशाली वाला वर्ष तो है ही, लेकिन भगवान बजरंग बली की, भगवान हनुमान जी की मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से यह इनके लिए अति शुभ, अति उत्तम और बहुत ज़्यादा ही सौभाग्यशाली होने वाला है। अपने कलाई पर लाल धागा कलावे के रूप में अवश्य ही बांधे रखें। और इनके लिए एक विशेष बात और भी है कि यह कभी कभी इनका जो स्वभाव है कुछ हटी हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने स्वभाव में हट ज़्यादा ना आने दें, क्योंकि आपके जो स्वभाव का हट है यह आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है या आपके कार्यों में अड़चन आ सकती है। इसलिए अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में हट का प्रयोग ना करें, ज़्यादा हट का प्रयोग ना करें, क्योंकि 2021 जो है आपको वह देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, जिसकी आपने अभी पीछे से कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना भाग्यशाली 2021 मेष राशि वालों के लिए होगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं और
आने वाले 2021 के लिए हम आपके सुख में, जीवन के सुख में, भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। और अगली राशि के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें अवश्य ही। और जो दर्शक हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान से नए जुड़े हैं, वह हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी जानकारी है वह उन तक जल्दी से पहुंचे। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना भी ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।